गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल विद न्यू वीडियो। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हम जा रहे हैं दिल्ली का एक पॉश एरिया जो हमारे इधर ही है, और वहाँ पे जाके हम आपको दिखाने वाले हैं कैसा होता है पॉश एरिया वहाँ पे। बस ऐसा है कि आपको बंगले और बंगलो या हो गए और बाकी आपके विलास ये सारे हैं तो सब दिखाते। और अभी आ रहा है धीमन, धीमन के लिए अभी वेट कर रहा हूँ। और जैसे धीमन आते ही आ गया धीमन, जैसे धीमन आ गया हाय, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस पेट्रोल डलवा लेते हैं, और यह है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप जो आपको बस दिल्ली में देखो तो यहाँ पे पेट्रोल का कितना चल रहा है, वो 96 चल रहा है। और हाँ भाई, और ये शाम दिल्ली, अगर किसी को यहाँ पे काम करना है तो इनमें कनेक्ट कर सकते हो। भंडारा लग रहा ब्रो। Yes, यहाँ से शुरू होता है वेस्टर्न ग्रीन्स। दिखाते हैं आपको वेस्टर्न ग्रीन्स। तो गाइस शुरू हो चुका है यहाँ से पॉश एरिया। यहाँ आपको बस पॉश चीजें देखने को मिलेगा, आपको देख ही सकते हो। और ये सारे एक्चुअली एवेन्यू है जो इसको बोलते हैं बंगला या विला बोल सकते हो आप लोग। ये देखिए आगे देख सकते हो इतना शानदार गेट बना रखा है। अंदर अंदर नहीं जा सकते हो, बस अंदर फुल मतलब सिक्योरिटी है यहाँ पे। ये देख आपका शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, उनका भी यहाँ पे बंगला है तो वो दिखाने का ट्राई करूंगा। अगर दिल्ली में वो आते हैं तो यही रुकते हैं। ये मल्लू विला, ओ सॉरी मालू विला। तो देख रहे हो वहां का फोक पॉश एरिया का फोर्क उनको चल रहा है। अंदर आप गेट देख के समझ ही सकते हो अंदर का सीन क्या हो सकता है। और यहाँ पे मेरे जब भी आता हूँ ना, फुल ग्रीनरी दिखता है, फुल पक्षी पक्षियों का आवाज, मोर दिखता है कभी कभार, तो अच्छा लगता है। अगर मतलब मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहां से ज्यादा दूर नहीं है, और ये किसी लोहिया का विला है तो यही है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। तो गाइस क्या लगा गाइस, गाइस काम करके निकल रहे गाइस। और मतलब इन टोटल अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको क्या मिलता है? सुकून 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 है इस जगह पे घूमने की वादियों के बीच। हेडफोन लगा लो, स्लो सॉन्ग स्कूटी। ये किसी ब्लैक होल का वो बना रखा है, ब्लैक होल। तो यहाँ पे इस पूरे एरिया में एक ही दुकान है, वो भी एक मोमो का दुकान है। तो स्टार्टिंग में पड़ता है आपको वहाँ पे, मैं अभी मोमो दिखाऊंगा कैसे खाते हैं। बहुत फेमस है मोमो और हनी चिली पटेटो। तो देखते क्या सीन है। पर गाइडेंस दे रखा है कि कौन से तरफ क्या है। बहुत बड़ा जगह है ये, जैसे हमारे यहाँ ब्लॉग होता है। सीधा
ये बोल रहे भाई नया बहुत बट हाँ जैसे हमारे वहाँ पे होता है ब्लॉक एल ब्लॉक के ब्लॉक और यहाँ पे होता है एवेन्यू मतलब और स्लिंग आता है यहाँ पे स्कूटी से चलने के लिए भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा गाड़ी वाड़ी होता तो और अच्छा होता और आप देखिए इधर से राइट ले पूरा एक घर है अभी जहाँ तक ये हाँ ये पूरा एक ही घर है एक ही घर अभी खत्म नहीं हुआ अभी खत्म नहीं हुआ इसके अंदर इस दिन के अंदर पूल वगैरह हो जाए फिर लोन बड़ी बड़ी लोन है गोल्फ कोर्स नहीं है गोल्फ कोर्स आगे है तो ऐसा दिखता ही नहीं है हम 1000 वीडियो करो यहाँ से ड्रोन उड़ाएंगे तभी दिखेगा अंदर क्या सीन है बट कोशिश करूंगा मैं कभी दिखाने के लिए मेरा एक दोस्त रहता है यहाँ पे उसके पास ही जा रहे हैं अभी वो अगर होगा उसको कॉल करता हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घर पे हूँ सापोर में हूँ और यहाँ पे जो ग्रीनरी ओ माय गॉड ऐसा दिल्ली में दिखने को ही नहीं मिलता ओ और फुल फ्रेश लीव्स का आ रहा है ना अलग से खुशबू है यार खुशबू भी अलग है तो अगर कोई मतलब दिल्ली में रहता है और वो वाला फीलिंग लेना चाहता है तो यहाँ पे आ सकते हो बाकी ये एवेन्यू 8 है सामने देखिए आप ओ यहाँ पे सारा लाइक प्रॉपर्टीज आपका नेता सेलिब्रिटीज या हो जाए और आपके स्पोर्ट्समैन जितने भी मतलब बड़े बड़े लोग जो है ना वो अगर आते हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है 15 मिनट भी नहीं होगा तो ये प्लेस उनके लिए बेस्ट होता है कि यहाँ पास में एयरपोर्ट भी है झंडत भी नहीं है तो बढ़िया रहता है पूरा शांत जगह देख सकते हो आप लोग फुल यहाँ पे आप देखो ना ये लोग रास्ते से लेके रोड तक अंदर तो हम गए नहीं बस गेट गेट तक ही इतना पोर्श किस लेवल पे बना हुआ है ये सारी चीजें अगर अंदर जाके देखे ना ओ माय गॉड एक बार एक दिन मैं दोस्त से बात करता हूँ सीरियसली भाई क्या कर रहे थी भाई हाथ सेक रहा हूं भाई जो ठंड है ना यहाँ पे देखो अब लाल सून पड़ चुका है एक ग्लव्स था ग्लव्स कहाँ है पता नहीं वो मैं लेके भी नहीं आया लग रहा था कि गरम अभी गरम हो जाएगा भाई ये मुझे फील ही नहीं हो रहा हाथ दिया मेरे को सुन पड़ चुका है ना हाथ पूरा तो एक जगह पे रुके हैं हम थोड़ा रेस्ट लेके ठंड लग रहा था इसलिए थोड़ा रेस्ट लेके आगे चलते हैं और बाकी आपका वीडियो दिखाता हूँ ओ अंदर तो नहीं जा सकते बट ये जो घर है उसका अगर हम अंदर का हिस्सा ऐसे गूगल मैप से देख रहे तो आपको देख सकते हो ऊपर से एक ऐसा पोर्च है ऊपर स्विमिंग पूल दिख रहा है कितना बड़ा स्विमिंग पूल दिख रहा है इस घर के अंदर बाहर से कुछ नहीं दिख रहा दस बिकॉज कि हम अभी अंदर नहीं जा पाएंगे और यहाँ पे अभी हम मैदान में पहुंच रहे हैं इससे सीधा जाएंगे तो निकल जाएंगे हाँ ये Thank you.
शाम इवनिंग को आओ यहाँ पे, दो साइकिल हो दोनों, ओ हेडफोन कान में, तो वाओ क्या फीलिंग आएगा। गाना मत चला, कॉपीराइट लग जाएगा। चल चल। जीवन क्या कर रहा है? यूट्यूब एंड इंस्टा। ये बस इससे कैसा अंधेरा हो गया। पकड़। सो ये है दिल्ली का लोकल मार्केट, इस जगह का नाम महिपालपुर, और यहाँ से शुरू होता है ये। और आपको मैं दिखाता हूँ महिपालपुर में, जैसे हमारे वहाँ पे दुर्गा पूजा होता है या कहीं पे कुछ पूजा होता है ओकेशनल में इतने लोग निकलते हैं, यहाँ पे डेली बाजारों में इतने लोग निकलते हैं। आगे चलिए और दिखाता हूँ मैं। तो गाइस ये है महिपालपुर का मार्केट, यहाँ पे 1 से 15 गलियों है, गलियों के अंदर रहते हैं लोग, और मार्केट के अंदर जितना अंदर घुसोगे उतना आप बाहर नहीं निकल पाओगे। बहुत लोग निकलते हैं शाम को बाजार करने में, ऐसा लग रहा है कोई ओकेशन है, पूजा है, लेकिन यहाँ पे ये रोज है। अगर दिवाली के दिन या किसी ऐसे ओकेशन के दिन निकलोगे तो यहाँ पे आपको पैर देने का जगह नहीं मिलेगा। और ये है 3 नंबर गली। यो यो।